नमस्कार, दिस इज़ आदित्य किलके हियर फ्रॉम अमेजॉन पार्क नर्सरी। और आज के इस वीडियो में हम लोग हार्वेस्टिंग करने वाले बैंगनों की, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये बैंगन लगे हुए 100% ऑर्गेनिक, तो ये आज हम लोग काटने वाले हैं। और इस बार आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार कि इस बार जो बैंगन आया सबसे कम आया है, क्योंकि इस बार जो है जीवामृत इसमें नहीं डल पाया, हमको जो है किसी पर्सनल रीज़न की वजह से टाइम नहीं मिल पाया वो डालने का, इसलिए जो है सबसे कम बैंगन अभी आया है। 100% ऑर्गेनिक हम लोग रखते हैं, क्योंकि बाज़ार में जो खा रहे हैं ना, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हम लोग स्लो पॉइजन खा रहे हैं, जो बाज़ार का खाना होता है बहुत ज़्यादा केमिकल डलता है, जिस कारण से आने वाले समय में करीब 50% लोगों को कैंसर हो जाए, इतना ज़्यादा केमिकल डलता है बाज़ार की सब्ज़ियों में। तो आप सोच सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। एक एक करके सारे बैंगन काटे जा रहे हैं, लास्ट में कलेक्ट करके आपको बताऊंगा कि कितने बैंगन टोटल निकले हैं। जितने झाड़ है ना, हम तो बाट बाट के मतलब थक चुके, इतने आ जाते। जितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके यहाँ, अगर आप उतने बैंगन भी लगाते हो ना, उतने बैंगन के झाड़, तो भी आपका आराम से काम हो जाता है और काफ़ी कम टाइम में आप इनको मेंटेन कर सकते हो। सारे बैंगन इन सब के कट चुके हैं, अभी और कुछ प्लांट्स बचे हैं, तो आइए उनके भी तोड़ लेते हैं। झाड़ों में इस बार इतना ज़्यादा शाइन बचा नहीं है, क्योंकि जीवामृत काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया डले हुए, करीब 1 महीना या 1.5 महीना हो गया होगा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक एक्टिविटी आपको देना चाहता हूँ यार, गूगल पर सर्च करके देखना दैट परसेंटेज ऑफ कैंसर पेशेंट्स इन फ्यूचर, इस तरह से आप सर्च करके देखना, आपको पता चलेगा कितने लोगों को एक्चुअली कैंसर होने वाला है आने वाले समय में, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। उसके अंदर अराउंड 39.5% आपको नज़र आएगा, ये 39.5% गारंटीड इतने लोगों को कैंसर हो ही जाएगा, ये हो सकता है 50% लोगों तक भी हो जाए, तो कितने ज़्यादा लोग आने वाले समय में परेशान रहने वाले वो आप समझ सकते हो। कोरोना कुछ भी नहीं था, आने वाले समय में बहुत सारी बीमारी आएगी अगर हम ऑर्गेनिक खाना शुरू ना करें तो। तो बस यार, इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। आओ पहले आपको बैंगन तो दिखा दो कितने निकले हैं टोटल। ये देखिए, एक बार में इतना बैंगन लगा है, और अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो, आप बैंगन के साथ में टमाटर उगा सकते हो, भिंडी उगा सकते हो, काफ़ी तरह की सब्जियाँ उगा सकते हो, काफ़ी फ्रूट्स उगा सकते हो, और दिन का आपको आधे से पौन घंटा देना है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके यहाँ माली आता है तो कोई बात ही नहीं है, डेलीगेशन करो यार, खुद करने की क्या ज़रूरत है फिर तो उससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उनको ऑलरेडी चीज़ें आती भी है। तो बस यार, इस वीडियो को इस समय आप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, अलविदा, गुड बाय।